बिहार में महागठबंधन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। बिहार में महागठबंधन सरकार में मुख्य भूमिका राजद और जदयू का है। राजद के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं तो मुख्यमंत्री जदयू के नीतीश कुमार हैं। लेकिन इन दिनों चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस बयान के बाद जो उठापटक देखने को मिला, उस उठापटक में जदयू के उपेंद्र कुशवाहा ने भी भाग लिया, अन्य नेताओं ने भाग लिया और अनर्गल बयानबाजी के कारण भाजपा को मौका मिला और भाजपा बयानबाजी को बढ़ा चढ़ाकर बिहार के जनता के बीच में परोसना प्रारंभ किया। इस बयानबाजी के बाद माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी प्रश्न उठाया और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी अपने नेताओं को बयानबाजी पर लगाम लगाने की बात कह दी। उधर नीरज कुमार भी अनर्गल बातें करते दिखे। महागठबंधन सरकार साथ मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन अन्य नेताओं में अनर्गल बयानबाजी को रोके जाने के लिए समन्वय समिति बनाए जाने की बात दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कहा है और यह कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, उम्मीद लोगों को है, जनता तेजस्वी यानी लालू यादव और जदयू के नीतीश कुमार के साथ है और भाजपा इस साथ को तोड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए तरह तरह के बयानबाजी करती है। हमें ऐसा मौका नहीं देना है कि जिससे भाजपा को मौका मिले। इन दिनों भाजपा बिहार में महागठबंधन सरकार के नेताओं के बीच के अनर्गल बयानबाजी और राड़ को अधिक से अधिक उछालने का प्रयास किया, जिस पर लगाम लगाने की बात अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी किया है प्रयास कि अब अनर्गल बयानबाजी ना हो, अधिकृत व्यक्ति ही बोलेंगे और अनर्गल बयानबाजी और किसी भी धर्म को मानने वाले के धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। धर्म के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। उधर राजद के सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री थे, जो कृषि मंत्री पद से हटाए गए, उनके भी तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ तरह तरह की बयानबाजी होती रहती है, जिस बयानबाजी से तंग आकर राजद ने भी अब कार्रवाई करने की सोची है। तो बिहार में जो बयानबाजी का सिलसिला जारी है, उस बयानबाजी को रोकथाम के लिए अब महागठबंधन के शीर्ष नेतागण प्रयासरत हैं और देखना यह है कि बिहार में यह महागठबंधन के बीच की रार समाप्त होती है या इस रार को हवा देकर भाजपा अपने और जनता को एकत्रित कर पाती है, वक्त रहते ही पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।